Hi everyone, this side Rakesh, I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. और आज यहाँ सेलिब्रिटी फेस दिल्ली में आने वाली है रील स्टार यूट्यूब स्टार मनीषा रानी, जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग से बहुत ही मेहनत करी है, पिछले 3 साल से मेहनत कर रही हैं और आज वो इंडिया की बहुत पॉपुलर क्रिएटर बन चुकी हैं। यूट्यूब पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम में अराउंड 4 मिलियन हैं। बॉलीवुड कार्तिक आर्यन से मिल चुकी हैं, डायरेक्टर्स के साथ कंटेंट क्रिएट करती हैं और यहाँ अपने वो फैंस से मिलने आएंगे। फैंस उनके साथ कुछ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करेंगे, रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, फोटो शूट करेंगे, सेल्फीज लेंगे और बहुत सारा धमाल मचाएंगे एक साथ। आइए उन फैंस से जानते हैं वो कितने एक्साइटेड हैं मिलने के लिए। आर यू एक्साइटेड टू मीट मनीषा? यस। सो ऑल दीस फैंस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर हियर इन दिल्ली टू मीट देयर फेवरेट स्टार मनीषा रानी। मनीषा बाय द वे ये सेकंड टाइम सेलिब्रिटी फेस दिल्ली में आई है। हमने उनके साथ इवेंट की जर्नी 2019 में की थी अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद वो 2 बार जा चुकी हैं, अपने फैंस से बहुत प्यार करती हैं और तो और बॉयज को पटाना चाहती है। अपने सारे वीडियोस में बोलती है मुझे बॉय पटाना है, लड़कों के साथ मस्ती करनी है और यहाँ पे भी सारे बॉयज ही आए हैं। कोई अपना जायदाद लिख के लाया है तो कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लाया है, क्यों? मनीषा को इम्प्रेस करने के लिए। इन्हीं फैंस से जानते कौन कहाँ से आया है, एक एक करके बताएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कहाँ से आए? आपको अच्छा फील होता है कि आपके बिहार की बेटी अब आगे बढ़ रही, बॉलीवुड में पहुंच रही? बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम निकिस यात्री, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं किसी फिल्म सिटी के स्टार से मिलने वाला हूँ आज। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? हाय एवरीवन, मेरा नाम पीयूष मदान है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। हम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मनीषा रानी। आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, आप देवरिया से आए हुए हैं। और बताइए अपने बारे में, अपने बारे में बताइए। हेलो जी, मैं हूँ आप अपना तेजस, 24 साल का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मनीषा रानी से मैं सिर्फ इससे इसलिए मिलने आया क्योंकि हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे उनने एक प्लेटफॉर्म पकड़ा कपिल शर्मा शो से। वो ऑडियंस में बैठी थी, उन्होंने सोचा कि कार्तिक आर्यन आया हुआ, चलो एक डायलॉग बोल के देखते हैं। उन्होंने सर को पटाया वहाँ से और वहाँ से उनको पता चला कि चलो एक प्लेटफॉर्म तो मिल ही चुका, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। वैसे ऐसे उन्होंने करके आगे शुरुआत करी और अब जाके वो इतनी बड़ी रील स्टार है, जहाँ के हम लोग उनसे आके मिलने आए हुए हैं। क्या पता आज वो है, कल हम उनकी जगह होंगे। तो बस ऐसे क्लैप कर दो इसके लिए। गाइस चीयर अप करेंगे मनीषा के लिए। एवरीवन ठीक है, जैसे ही कार से उतरेंगी बहुत सारा चीयर अप, बहुत सारा हेलो हाय करेंगे और उनके साथ पिक्चर्स वीडियोस बनाएंगे और वेलकम करते हैं मनीषा रानी का। गाइस चीयर अप करेंगे वंस अगेन। ये आपका छोटा सा फ्रॉम सेलिब्रिटी फेस। थैंक यू एवरीवन।